अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं बॉम्बे कराची हलवा, जिसे बनाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है। 1.5 कप कॉर्नफ्लावर लिया है। ये कॉर्नफ्लावर से बनाया जाता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। और मैंने ये पानी ले लिया है 3 कप। 1.5 कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, उसका डबल मैंने 3 कप पानी लिया है और 100 ml घी लिया है। 4 कप मैंने शक्कर ली है, शक्कर इसमें 4 कप बिल्कुल बराबर रहेगी। अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं करना है। ग्रीन फूड कलर लिया है और बादाम काजू को मैंने ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से कट कर लिया है, थोड़ा मोटा मोटा सा कट किया है। तो सबसे पहले हम स्लरी बना लेंगे। कॉर्नफ्लावर में 1 कप हम पानी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। बिल्कुल प्लेन इसकी हम स्लरी बना लेंगे, लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये देखिए बिल्कुल प्लेन इसको हमने बना दिया है, इसको अब साइड में कर देते हैं। और अब हम चाशनी बना लेंगे। सबसे पहले पैन ले लेंगे, उसमें 4 कप शक्कर ऐड कर देंगे और जो 3 कप हमने पानी लिया था वो 3 कप पानी डाल देंगे। बिल्कुल हमें कोई तार वगैरह की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ शुगर को मेल्ट कर लेना है इसमें। तो ये देखिए शुगर मेल्ट हो चुकी है। अब फुल फ्लेम पर 2-3 बार इसमें उबाल आने देंगे। जब 2-3 बार इसमें उबाल आने लगेगा तो गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये देखिए उबाल आ चुका है, चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको अब हम साइड में रख देंगे। अब हम पैन ले लेंगे, इसमें जो हमने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई थी वो डाल देंगे इसमें। और फ्लेम को लो रखना है, इस वक्त लो फ्लेम पर इसको कंटिन्यू स्टर करते जाना है। 2 टीस्पून इसमें घी ऐड करेंगे और कंटिन्यू इसको स्टर करते जाएंगे जब तक ये थोड़ा थिक ना होने लगे। इसको स्टर करना है, छोड़ना नहीं है, वरना बड़ी बड़ी गुठलियाँ पड़ सकती है इसमें। तो ये देखिए हल्का हल्का सा थिक होना शुरू हो चुका है कॉर्नफ्लावर। ये देखिए थिक हो चुका है। अब इसमें हम चाशनी ऐड कर देंगे। अब थोड़ी थोड़ी करके हम चाशनी पूरी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। और साथ ही साथ हम 2 टीस्पून घी भी ऐड करते जाएंगे इसमें और इसको कंटिन्यू स्टर करते रहना है। बिल्कुल प्लेन होना चाहिए इसका टेक्सचर। तो ये देखिए बिल्कुल प्लेन हो चुका है। थोड़ी थोड़ी करके चाशनी में ऐड करते जा रही थी तो सारी चाशनी मैंने इसमें डाल दी है। अभी बिल्कुल प्लेन और स्मूथ हो चुका है। अब हमें इसको थिक करना है, गाढ़ा करना है। तो हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे, 2 टीस्पून घी ऐड करते जाएंगे। और जब घी एब्जॉर्ब होने लगेगा फिर वापस से हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे और इसको थिक करते जाना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो देखिए जैसे जैसे घी एब्जॉर्ब होते जा रहा है मैं और इसमें ऐड करते जा रही हूँ, क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है। अगर आप घी कम कर दोगे तो हलवा आपका अच्छा नहीं बनेगा। अब इसमें 2 पिंच मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब ये थिक हो चुका है तो इसमें हम कलर ऐड कर देंगे। मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है, आपको जो भी कलर पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। कलर को हमें अच्छी तरह से इससे मिक्स कर लेना है, कहीं पे रह नहीं जाना चाहिए, हर तरफ कलर अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। थोड़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, पर बहुत ही टेस्टी बनकर घर पे तैयार हो जाता है ये। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त आप इसमें 4 मगज भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं वो लास्ट में ऐड करूंगी गार्निशिंग के लिए। तो ये देखिए ये इतना थिक हो चुका है, जमने जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी, देख सकते हैं आप। ये पककर रेडी है, इसको अभी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने ले लिया है बर्तन, इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम हमारा हलवा डाल देंगे।
इस तरह से पूरा घी में, घी ज़्यादा होना चाहिए ये हलवे में, तभी ये अच्छा बनता है। ये देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कितना ज़्यादा घी है, ये देखिए। तो अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब हम इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये मैंने 4 मगज लिए हैं जो इस तरीके के होते हैं, इसको भी हम डाल देंगे। इससे भी बहुत अच्छा लुक भी आता है और टेस्टी भी लगती है ये हलवा खाने में। अब इन सबको हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि चिपक जाए, सेट हो जाए। और इसको हमें सेट होने के लिए रख देना है, या तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं या 5 से 6 घंटों के लिए भी रख सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए, अच्छी तरह से जम जाए, तब आप इसको कटिंग करें। तो ये देखिए, 5 घंटे इसको हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। देख सकते हैं आप, किनारियों पर से निकल भी रहा है। तो अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। इस तरीके से इसको पलटी कर देना है, हल्का हल्का सा टैप करना है। तो ये देखिए कितना इजीली ये निकल चुका है, बहुत ही परफेक्ट और अच्छा बना है हमारा बॉम्बे हलवा। तो इसकी साइड को हम पलटी कर लेंगे और इसको नाइफ से कट कर लेंगे। अब स्क्वायर पीसेस में, यानी चौकोन पीसेस में हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा बॉम्बे कराची हलवा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट भी है, ज़्यादा चीवी नहीं है कि रबर जैसा इसको खींचकर खाना पड़े। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है ये खाने में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे तरीके से। और अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।